का स्वागत करती हूँ हमारे आज के सेगमेंट सृजन में। और आज के हमारे सेगमेंट में एक विजुअल ट्रीट रहने वाला है, स्पेशली फॉर आर्ट लवर्स। जी हाँ, मैं आज आई हूँ आर्टिजन आर्ट गैलरी, जहाँ पे एक आर्ट एग्जिबिशन का आयोजन किया गया है क्रिएटिव आर्ट अफेयर्स के द्वारा। यहाँ पे देश भर से कलाकार आए हैं अपनी कला का प्रदर्शन करने। तो चलिए चलते हैं, आज इन सभी कलाकारों से मिलते हैं और इनकी पेंटिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं। आई एम फाइंडिंग ब्यूटी इन वेरी स्मॉल थिंग्स, लाइक इन दिस इट्स द बिल्डिंग्स। आई एम ओपनिंग माई कर्टन एंड आई एम लुकिंग आउट एट द बिल्डिंग्स। Up here, it's a reflection in the glass. And in that painting, it's the carpet. The carpet is just a simple carpet at home, which has become so beautiful. You know, suddenly I'm seeing the beauty in every small thing. I don't have to go hunting anywhere for the beauty. चाल के ऊपर, दाल के ऊपर, सरसे के ऊपर, वो पंपकिन सीड के ऊपर, वो भी बना हुआ है वाटर कलर से। वेस्ट बंगाल का तो ट्राइबल लोग के साथ से रहना का जो जीवन यात्रा है, वही हमको उठा रही है वो कैनवास पेंटिंग में। दीज आर एक्चुअली थ्री ब्यूटिफुल वुमेन हु आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट फैंटेसी, सॉलिट्यूड एंड फ्लोइंग इन देयर ड्रीम्स। सो आई लाइक टू पेंट वुमेन हु एक्चुअली इज पावरफुल व्हेन दे आर अलोन। This is the dance form and the step depicts that God is everywhere. जब हमारा कोई मूड बड़ा ऑफ होता है, अपसेट होते हैं, हम समुंदर के किनारे जाकर लहरों से बातें करते हैं। बातें तो नहीं करते, किंतु मेंटली वी आर टॉकिंग विद द वेव्स। ये जो वेव्स हैं, ये ही हमको एक न्यू मैसेज देती हैं। गौतम बुद्धा अपने सन के साथ हैं। जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी, तब वो यशोधरा के पास गए थे और तब उन्होंने भिक्षा के रूप में अपना पुत्र उनको दिया था। ये एम्ब्रॉयडरी है और ये जो मैंने इसका टांका जिसको बोलते हैं वो क्रॉस स्टिच है। वन इज सॉलमेट एंड सेकंड वन इज ब्यूटी इन सिंप्लिसिटी एंड द थर्ड वन इज फाल्कन। ये एक्चुअली पोर्ट्रेट पेंटिंग्स ही है और जो एक्रेलिक मीडियम पे की हुई है, और ये मोस्टली जो फोटोज़ हैं मोस्टली बहुत सारे फोटोग्राफर्स ने खींची है। ये जो गणपति हैं, इससे इसके थ्रू मैंने डिवोशन को दिखाने की कोशिश की है। और जो गणपति के थ्री फेसेस हैं वो बेसिकली तीन गुणों के साथ हमें मतलब सामने आते हैं, जैसे कि एक रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। प्यार में दूर भी रह करके भी एक दूसरे का से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह कृष्ण और राधा जी एक नहीं हो सके थे, लेकिन हमेशा उन दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है। तार की तरह एक आपस में लगाव और एक जुड़ाव था। Children who suffer from a lot of problems in school itself, we have the counselors, and many of them are made to do paintings, drawings, because it helps them to release their emotions. So that way they become maybe happier, or they can express what is, you know, inside them. And art is used as a therapy now. It's become a total subject and you can learn it, and it's like you can do a graduation literally on that. So I feel it's very important. What influenced you to be an artist? We always had a lot of artists coming home, musicians, painters, all sorts of art. And plus my mother herself was an artist, and my father also. So he was totally into music, but he also used to paint and he encouraged me a lot. कला जीवन है जो रंगों के माध्यम से मनुष्य की आत्मा को जीवन जीने की शक्ति देता है। आज इस एग्जीबिशन में मैंने अलग अलग तरह के कलाकार देखे।
कई जो रंगों के साथ अपनी पेंटिंग बनाई और कई जिन्होंने सिलकर अपनी पेंटिंग को बनाया है। तो मैं उन सभी उभरते कलाकारों को यही कहूँगी कि अपने अंदर के कलाकार को बनाए रखें।